गाइस प्रणाम नमस्कार केम छे तो कैसे आप सब लोग होप सो गाइस सब अच्छे होंगे। नए दिन की शुरुआत नए ब्लॉग के साथ हम लोग कर दी गाइस। तो फिर आज तो आप लोगों को आज का स्पेशल है कि आज है आज से श्रावण चालू हो गया है तो मेरी फैमिली की तरफ से आप सब लोग को श्रावण की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो भाई विदो इसके हाथ गाड़ी पे जाने का शौक था ना तो फिर दीवा बत्ती लगा दी है। ठीक है ये फिलहाल तो हम लोगों ने अखंड ज्योत जलाई हुई है, ये वाली अखंड ज्योत जलाई है। हाँ, तो जतिन भी है ना, दो महीना उपवास पकड़ने वाले हैं और जतिन ने नहीं जतिन के बस का नहीं है उपवास पकड़ना। पता आपको 16 सोमवार भी करा हुआ है मैंने पूरा 16 सोमवार। हाँ, आठ सोमवार करने के मेरे को भूख लग गई है। 8 दिन तक पूजा करने के सुन रहे हो क्या? पड़ेगा हाँ करना ही पड़ेगा, मेरे बस का नहीं भाई। तो सब्सक्राइब भी बढ़ेगा। सब्सक्राइब भी बढ़ेगा। आपको पता है कि मम्मी ने भी 16 सोमवार कराए मेरे से। क्या बोलने का अभी करना ही पड़ेगा। अब 8 सोमवार करने के लिए भूख नहीं है, भूख लग गई यार 8 सोमवार स्टार्टिंग में भूख लग गई। तो फिर चलो पीस आउट गाइस, हम लोग जाते हैं मंदिर में, चलते चलते नीचे फिर मिलता हूँ मैं आपको। स्टे ट्यून गाइस। मम्मी हर चीज के लिए अपनी जिद ही करती है, हर चीज के लिए अपनी जिद कर रही है। देखो अभी मैं बोल रहा हूँ तुंगाली यहाँ से सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है, पैदल चलते हैं, लेकिन नहीं गाड़ी पे जाना है। रेनकोट पहनो बल, मैं बोल रहा हूँ आंटी के पास से थोड़ा सा रेनकोट छतरी मांग ले। तो तू मांग दो, मैं मांग थी तब से ना करती तू मांग दो कैसे ना कर जानती। हर चीज के लिए जिद है मम्मी की, हर चीज के लिए जिद है मम्मी की। पापा देखेंगे ना वीडियो, पापा तब बराबर डांटेंगे मम्मी को। हाँ तो मैं छतरी पकड़ दो तब तो तू रेनकोट पहन। ये मम्मी को क्या शौक है रेनकोट का। लोग भीगे बात नहीं यार, भीग थोड़ी ना बंद तन 2 मिनट बस। मम्मी की हर चीज में जिद रहती है, हर चीज में। एक चीज ऐसी नहीं जिसमें जिद नहीं है मम्मी की, हमसे ज्यादा जिद्दी तो है मम्मी है। तो फिर गाइस हमारी छतरी तो रेडी है, ये छतरी है ना मेरा दोस्त है गनी गनू भाई। आप लोग ने ब्लॉग देख लिया होगा लाइन फ्रेंड का, उसमें तो आपको आपने जब ब्लॉग देखा होगा तो उसमें पता रहेगा आपको गनू भाई कौन है। तो गनू भाई की है अपने पास तो छतरी है। ये ऐसा वाला पीस आउट गाइस। अच्छा तेरो अच्छा तेरे रहने का और क्या नहीं बंद। जल्दी जल्दी चल लेते कखन वन मंदिर बंद, जल्दी चल चल लो। तो गाइस चलता हूँ मैं, फिर मिलता हूँ आपको, पीस आउट गाइस। देखो जादू जादू हम लोग अब जा रहे हैं, पहले तुंगाली ना माँ, पहले तुंगाली जा रहे पैदल पैदल और फिर हम जाएंगे ये मंदिर में। कितना क्लोज में आ रहा है। तो गाइस ये देखो यहाँ से हमारा घर का अंदर का एंट्रेंस है, और यहाँ से भी आओ या कहीं से भी आओ, देखो इंदानगर से भी आप आओगे तो तुंगाली पहले है। एक बड़ी चलता ना एक बड़ी नजदीक से, अगर आप तुंगाली से भी आओगे तो यहाँ पे आपको मंदिर दिख ही जाएगा, अगर आप इंदिरानगर से भी आओगे तो आपको मंदिर दिख ही जाएगा दोनों तरफ से। जहाँ से भी मतलब नहीं क्या, मार्केट से भी आओगे ऊपर के साइड से डकलैन के साइड से तो भी यहाँ पे ही मंदिर है। मतलब यहाँ पे मंदिर मतलब कैसा मालूम क्या, कि यहाँ पे आपको मंदिर पड़ेगा ही पड़ेगा, आते समय और जाते समय यहाँ पे आपको मंदिर दिखेगा ही दिखेगा। ऐसा ही है, एकदम बीच में ही है पूरा, मतलब नहीं क्या इंदिरानगर तुंगाली के दोनों चीज़ के बीच में है ये मंदिर, श्री तुंगालेश्वर महाराज मंदिर है नाम, मंदिर का नाम है तुंगालेश्वर महाराज। देखो दिखाता हूँ मैं आपको, फिर तुंगाली जाने का है, तुंगाली से दूध वगैरह वगैरह लेके आने का है, तो फिर वहाँ से आते समय फिर पूरा मंदिर का आपको दर्शन कराऊंगा। देखो इस साइड पता नहीं क्या के लिए मम्मी ने, तो चलो चलो चलते चलते बात करते हैं। पता नहीं मम्मी ने क्या के लिए है, स्टार्टिंग का तो पता चल रहा है टमाटर वगैरह लिए रखे हैं मम्मी ने, और दूध दही मशरूम भी है शायद, तो ये सब रात के लिए ना ये सब रात के लिए, दिन भर खाने में देगी मम्मी कुछ, भूख लग गई मेरे को बहुत ज़्यादा।
माँ के आगे कोई हो सकता है कि बोल सकते है क्या ज्यादा कोई? ये मम्मी जानबूझ के ऐसा करती मालूम क्या, जो चीज के लिए मेरा मन नहीं रहेगा ना वो चीज जबरदस्ती कराएगी मेरे से। अभी देखो ये आठ आठ मतलब कितना आठ दिन है, आठ सोमवार करने के ना, आठ सोमवार करने के मेरे को, आठ सोमवार, आठ सोमवार ठीक है करेंगे, आठ सोमवार क्या है फिर, अभी करना ही पड़ेगा, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। 16 सोमवार भी है मम्मी ने कराए, वो भी मजबूरी से करनी ही पड़ी। अरे गाइस ड्रीम हॉलीडे दिख रहे हैं क्या, टेंशन नहीं दीजिए, देखो ड्रीम हॉलीडे यहाँ पे मामा काम करते मेरे, दिखाता हूँ। ड्रीम हॉलीडे के चरण भाई, बारिश बहुत तेज हो गई, स्पीकर वगैरह खराब हो जाएगा, मिलता हूँ मैं आपको मंदिर में डायरेक्ट। बंद कर
बाय बाय महाकाल। गाइस यहाँ पे है ना समाधि वगैरह है, देखो समाधि ये पता नहीं क्या है लेकिन वही है। ये देखो तुलजागिरी बाबा यांची जीवंत समाधि, देखो पढ़ रहे हो आप, यहाँ पे जीवंत समाधि है। श्री तुंगालेश्वर महादेव मंदिर, श्री गणेश, श्री तुलजागिरी बाबा संजीवन समाधि स्थान, ये भी भोलेनाथ का ही कोई रूप रहेंगे, उनकी समाधि है यहाँ पे। ये देखो कैसा एकदम है, तभी तो बोलते हैं लोग भोलेनाथ भाई शमशान के काले महाकाल शमशान के। तो फिर एक शायरी है भोलेनाथ और पार्वती जी के ऊपर, नंगे पैर दौड़ी पार्वती एक शिव के पीछे, दुनिया से अनजानी हो गई थी। सुना है महल की रानी माँ पार्वती किसी शमशानवासी की दीवानी हो गई थी। कभी कभी बस शायरी का शौक चढ़ जाता है। अरे हमारे दादाजी आ रहे हैं सामने से, दादी नमस्ते। बस बढ़िया बढ़िया बंगला। गाइस हम लोग ने सुबह से उपवास रखा था, अभी फिलहाल उपवास छूट रहा है शायद। ये महाशिव के लिए चूरमा बनाए और पूजा पाठ हो रही है अभी। भाई भाई बहुत गोरा दिख रहा है यार, तो क्या लगा रहा है तू तो आजकल हैं? तो ये पूजा की तैयारी, भगवान लोग भी रेडी, वाइड एंगल में अच्छे आते ना। ओहो 2x, लास्ट 2x है यार इसका, नहीं 2x से ज़्यादा है, 2.6x ऐसा कुछ तो भी है। चलो जो भी अच्छी है, चलो फिर देखो पूजा पाठ कैसे कैसे होती है। तू भोला पर्वत का मैं रानी मेला की, तेरी मेरी पार पड़ेगी भोले लिखी पहला की। तू भोला पर्वत का मैं रानी मेला की, तेरी मेरी पार पड़ेगी भोले लिखी पहला की। तेरा साथ ही चाहिए भोले मन की सहत, कोई मतलब नहीं मेरी खातर साथ बतेरा तेरा दुनिया ते मन मतलब नहीं। तेरी खातर के कर जाऊं भोले मन ने कुछ नहीं बेरा है, दुनिया का मन बेरा नहीं पर तू तो भोले मेरा है। तेरी खातर आई हूँ तेरी गलिया जाऊंगी, भोले कितना प्यार है तेरे तया सब ने बताऊंगी। तू भोला पर्वत का तो फिर हम लोग का उपवास तो टूट चुका है, चूरमा खा लिया था मैंने, देखो आपके सामने भी खाता हूँ। आता होता है मेरे को आदत है इसको खाने की, क्योंकि मैंने 16 सोमवार करे हुए ना, तो 16 सोमवार में बहुत खाता था मैं। तो ये व्लॉग को करते हैं एंड, तो आई होप गाइस आपको व्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल पर सब्सक्राइब भी कर दो। मिलते जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, टाटा बाय बाय, और माचा दरो पीस ऑफ माइंड। और भाई के लिए बस दुआ करना जल्दी उसका हार्ट ठीक हो जाए, कल उसका टाके कटारे पता नहीं क्या क्या रिपोर्ट आती है अभी। तो मजे दरो, पीस आउट और स्टे ट्यून, बाय बाय।